हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं आप टेक चैनल, मेरा नाम है आकबे। आजकल जब भी किसी बच्चे या बड़े को लूज मोशन की शिकायत होती है तो डॉक्टर तुरंत उन्हें ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का घोल पीने की सलाह देता है। कई घरों में दस्त की समस्या होने पर लोग खुद ही केमिस्ट से ORS का पैकेट लाकर पी लेते हैं। इसे पीने से तुरंत राहत मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ORS का घोल शरीर से पानी की कमी नहीं होने देता और मरीज तुरंत सही हो जाता है। इसे जीवन रक्षक घोल भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी खोज किसने की थी और कब की थी? ये एक भारतीय डॉक्टर थे जिनके योगदान को पूरी दुनिया में सराहाया गया था। चलिए जानते हैं इनकी कहानी। और ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। इस महान डॉक्टर का नाम था दिलीप महाल नोबिस। वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। उन्होंने कोलकाता और लंदन से मेडिकल की पढ़ाई की थी। महाल नोबिस ने शिशु रोग और चिकित्सा की ट्रेनिंग ली थी। 1960 के दशक में उन्होंने कोलकाता की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को ज्वाइन किया। यहाँ उन्होंने डॉक्टर्स के साथ मिलकर ORT यानी की ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी पर रिसर्च की। रिसर्च के दौरान अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जो कंट्रोल्ड कंडीशन में डिहाइड्रेशन को थाम सकता था। इनकी टीम में डॉक्टर डेविड आर नलिन और रिचर्ड ए कैश भी शामिल थे, मगर इसका इस्तेमाल उन्होंने आम लोगों पर नहीं किया था। इसी बीच बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया। 1971 के इस युद्ध में बहुत सारे बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल की सीमा पर आ पहुंचे। यहाँ कई रिफ्यूजी कैंप चलाए जा रहे थे। इन्हीं में से एक बोंगाव रिफ्यूजी कैंप में हैजा यानी की कैलरा फैल गया। कैंप में इंटरवीनस फ्लूइड्स की कमी हो गई, इसीलिए यहाँ की मृत्यु दर बढ़ गई। फिर डॉक्टर महाल नोविस ने मरीजों को ORS को देना शुरू कर दिया। उनके इस कदम के सकारात्मक नतीजे आने लगे। उनके रिफ्यूजी कैंप की मृत्यु दर घटकर 3% हो गई। हालांकि उनके इस फॉर्मूले को अभी तक मंजूरी नहीं मिली थी। इस घटना के रिजल्ट और फॉर्मूले को देखने के बाद ORS को मान्यता मिली। ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। इसके बाद डॉक्टर महाल नोविस ने WHO के लिए कई देशों में काम किया। उन्होंने यमन, अफगानिस्तान और मिस्र में डायरिया को कंट्रोल करने में मदद की और वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के भी मेंबर रहे। मेडिकल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए। 2002 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर महाल नोविस को पोलिन प्राइज से सम्मानित किया और थाईलैंड की सरकार ने 2006 में उन्हें प्रिंस माहिडोल प्राइज देकर उनका सम्मान किया। रिटायर होने के बाद भी वो कई प्रकार की रिसर्च में हिस्सा लेते रहे। साल 2022 में उनका निधन हो गया था। उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था और बढ़ती उम्र की बीमारियों ने उन्हें घेर रखा था। इस दुनिया को छोड़ने से कुछ साल पहले उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ को दान कर दिया था। उनका पूरा जीवन बच्चों और उनसे जुड़ी बीमारियों को दूर करने में समर्पित हो गया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी डॉक्टर दिलीप महाल नोविस के ऊपर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको डॉक्टर दिलीप महाल नोविस पसंद आई हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।